अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को। स्पेक्ट्रोस्कोपी के जितने भी बेसिक्स हैं उनको देखेंगे, डिफरेंट तरह के इसकी टाइप्स को देख लेंगे, देन उनके प्रिंसिपल्स देखेंगे और उनके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एक जनरल वीडियो है। नेक्स्ट हम स्पेसिफिकली यूवी विजिबल आईआर और दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपीज को देख लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा। इसके अलावा लेक्चरर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के किसी भी टेस्ट या इंटरव्यू के हवाले से आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर किया जा चुका है प्रीवियस वीडियो से, जिसने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट एंड अदर रेडिएशंस बाय मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं कि हमारा मैटर के डिफरेंट तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट तरह की रेडिएशंस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और वहाँ से हम डिफरेंट तरह के डिडक्शंस निकालते हैं कि एक खास तरह का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या स्ट्रक्चर है वो एक खास तरह की रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। और इसके लिए हम डिफरेंट तरह की जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। हर तरह की रेडिएशन जो है एक ख़ास तरह का हमारे पास एप्लीकेशन रखती है। तो अभी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की जनरल देख लेते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो ये हैं कि ये नॉलेज गैप को फिल करती है। हम किसी भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, किसी भी मैटर के साथ डील कर रहे होते हैं तो उस पॉइंट पर उसके स्ट्रक्चर हम जो है वो हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छी एडवांस लेवल की टेक्निक जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इसकी एप्लीकेशंस, इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन हमारे पास एनालिटिकल एप्लीकेशंस हैं कि हम इसके यूज़ करते हुए क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि हम किसी भी सैम्पल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि मीन के उनकी एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कि ये जनरल एप्लीकेशन लिखी हुई है एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी में, जब हम डिफरेंट तरह की गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं, डिस्टेंट गैलेक्सीज की तरफ से आती हुई स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन्स को स्टडी करने से हम अंदाज़ा करते हैं कि हमारे पास जो है वो गैलेक्सीज ज़मीन से के करीब आ रही हैं या ज़मीन से अवे जा रही हैं। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी से पता चला कि यूनिवर्स जो है कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि डिफरेंट तरह की जो गैलेक्सीज थी वो ज़मीन से दूर जा रही हैं। क्योंकि जब डिफरेंट तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया गया तो उससे पता चला कि इसमें उनकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हाई वेवलेंथ की तरफ जा रही थी, तो इसको हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। और इस तरह से हम स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करके डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक सोर्स होती है जो कि रेडिएशंस एमिट करती है। इन रेडिएशंस को सैंपल के ऊपर फॉल करवाया जाता है, देन इन जो बाकी के जो रेडिएशंस हैं, सैंपल से निकलने वाले रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं, और कोई भी रीड आउट डिवाइस जो है इसको हमारे लिए ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है सारे डाटा को। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन की जाती है। इनमें से एक क्लासिफिकेशन है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है उसको एक्साइट करवाया जाता है, और इसके लिए हम फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ करते हैं, और इसमें हमारा जो एटम है वो एक्साइट होता है, और इस एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होती है हम उसको स्टडी करके डिफरेंट तरह के डिडक्शंस निकालते हैं। जबकि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी और वे से एक्साइट करवाते हैं एटम को, जिसमें कि हम हीटिंग का जो स्टेप है वो यूज़ कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिक स्पार्क को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एक्साइटेड एटम है ये जब डी एक्साइट होता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तब रेडिएशन को एमिट करता है। अब जो एमिटेड रेडिएशन है इनको हम रिकॉर्ड करके डिफरेंट तरह के डिडक्शंस निकालते हैं।
स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ही यूज़ करने वाले हैं डिफरेंट तरह के मैटर्स के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, इनको हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, और ये वो रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं, ये प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के परपेंडिकुलर भी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के हमारे पास रेडिएशंस हैं, जिनमें के गामा रेडिएशन है, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, विजिबल हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, माइक्रोवेव्स हैं एंड रेडियो वेव्स हैं। अगर हम इनकी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ इंक्रीज होती है। इसी तरह इनकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो गामा रेज की सबसे ज़्यादा है और रेडियो वेव्स की सबसे कम है। इसी तरह इनकी जो वेवलेंथ है वो इसके ऑपोजिट है। वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा है, गामा रेज की सबसे कम है, और ये एनर्जी के ऑपोजिट में इंक्रीज होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग वेवलेंथ के लिए एरोहेड से शो करवाया गया है। गामा रेज जो हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो एमिट करते हैं। एक्स रेज जो हैं ये एक्स रेज मशीन में यूज होती हैं। देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो सोर्स है वो सन है। यूवी विजिबल विजिबल लाइट जो है वो लाइट बल्ब जो हमारे पास ये इनकैंडेसेंट बल्ब होता है इसमें से एमिट होती हैं। देन इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये टीवी रिमोट में यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव माइक्रोवेव ओवंस या माइक्रोवेव की जितनी भी डिवाइसेस हैं दूसरी लेबॉरेटरीज वगैरह में यूज़ होती हैं उनमें यूज़ होती हैं। देन रेडियो वेव्स जो हैं ये रेडियो ट्रांसमिटेंस के तौर पर यूज़ होती हैं। इन सब रेडिएशंस में से जो मोस्टली हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली रेडिएशंस हैं, जो कि हम डिफरेंट तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपीज में यूज़ करते हैं, उनमें ये चार रीजन्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, विजिबल रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स। अल्ट्रावायलेट और विजिबल जो हैं ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं, इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं, जबकि रेडियो वेव्स जो हैं ये हमारे पास एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को करैक्टराइज करने के लिए हम डिफरेंट तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं। उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वेवलेंथ है, देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, देन वेव नंबर है एंड एनर्जी। वेवलेंथ जो है ये इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स। अगर हम इस वेव को देखें तो ये हमारे पास जो ऊपर वाली दोनों पीक्स हैं ये हमारे पास क्रस्ट है, और इन दोनों के दरमियान जो कंजेक्टिव दो क्रस्ट हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसको लैम्डा से शो करवाया जाता है, और इसको मेजर करने के लिए हम मीटर या नैनोमीटर का यूनिट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट इन वन सेकेंड, कि एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स और पास करती हैं, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको मेजर करने के लिए हम साइकल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज का यूनिट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेव नंबर आता है। वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, और इसको हम मेजर करने के लिए पर सेंटीमीटर या पर मीटर का यूनिट यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास एनर्जी होती है। एनर्जी जो है इसका रिलेशन हम देख लेते हैं। एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, जैसे कि हमारे पास प्लैंक्स की थ्योरी थी। यहाँ पर म्यू जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो म्यू है ये इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा के, तो ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। और एनर्जी और लैम्डा का जो रिलेशन है, मीन के वेवलेंथ का एनर्जी के साथ जो रिलेशन है, ये इन्वर्स होता है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि जिधर को वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है उधर को
एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम नोड टू क्रस्ट। अगर आप इस वेव को देखें तो इसमें ये जो हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है वेव का, तो इसको नोड हम कहेंगे, और नोड से पीक तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लाइट ब्राइट होगी, ये इसका एक रिलेशन है इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम जनरली इन दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर जनरली पूछा जाए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की कितने टाइप्स हैं, तो यही वाली टाइप्स बताई जाती हैं। फर्स्ट नंबर पर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सेकंड पे मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंट्रेक्शन है वो एटम्स के साथ स्टडी करते हैं, और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। जबकि मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें हम डिफरेंट तरह की रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन या एमिशन बाय द मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं, और इसमें यही डिफरेंस है जो कि हमें नेम से भी क्लियर हो रहा था। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, और ये सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्दर टाइप्स हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, देन हमारे पास फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इन सब की जो डेफिनेशन है हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज हमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट नंबर पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हमें टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बताती है और हमें फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर तो हमें फंक्शनल ग्रुप को डिटरमिन करना है किसी भी मॉलिक्यूल में, देन हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको NMR कहते हैं, ये हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं उनको, उनकी टाइप डिटरमिन करने के लिए, उनका इन्वायरमेंट डिटरमिन करने के लिए, जिनमें हमारे पास प्रोटोन आता है। इसी तरह कार्बन 13 जो है ये मैग्नेटिकली एक्टिव है, इसी तरह फॉस्फोरस जो है ये मैग्नेटिकली एक्टिव होता है, और फ्लोरीन। हम इसमें डिफरेंट इनकी टाइप्स देखते हैं, इनका इन्वायरमेंट भी चेक कर सकते हैं NMR से। NMR और इंफ्रारेड, ये दो स्पेक्ट्रोस्कोपीज को अगर हम कंबाइन कर लें, मीन कि इन दोनों को ही सिर्फ यूज़ कर लें, तो हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है किसी भी मॉलिक्यूल का वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, देन इसमें जो है हम मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कॉन्जुगेशन को चेक करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो उसकी टाइप क्या है। इन अदर सेंस हम इसको कह सकते हैं कि हम इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दैट आर कॉन्जुगेटेड, उनको हम डिटरमिन करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इस स्लाइड में देख लेते हैं डिफरेंट तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की जो है उसमें यूज होने वाली रेडिएशन कौन सी हैं, उसमें प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है, और वो हमें किस किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये स्लाइड इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको वन लाइन में अगर प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है किसी भी टेक्निक का, तो आपको वन लाइन में और एक कंप्लीट डेफिनेशन आनी चाहिए उस टेक्निक के प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। इसमें जो रेडिएशन यूज होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो 1 से 10^3 मीटर तक होती है। इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो न्यूक्लियाई फ्लिप कर जाते हैं, जो कि मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में उनकी फ्लिपिंग होती है, और साथ ही जो है एक खास वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स हैं, वो एब्जॉर्ब होती हैं। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल है क्वांटाइज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स
leading to transitions between different spin orientations of nuclei in the magnetic field. तो ये इसका प्रिंसिपल है. नेक्स्ट हमें ये किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन देती है, ये हमें एक मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई के इन्वायरमेंट के बारे में बताती है. नेक्स्ट हमें उसकी जो टाइप है वो बताती है और उसके नंबर ऑफ मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में बताती है. ये कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसको हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये इसमें जो रेडिएशंस यूज होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं. इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं ये अब्सॉर्ब होती हैं, और जब इंफ्रारेड एक खास किस्म की इंफ्रारेड रेडिएशन अब्सॉर्ब होगी तो इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है. इसीलिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. इसका प्रिंसिपल देखते हैं, क्वांटाइज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशंस लीडिंग टू वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस, मीन के वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस होती हैं जबकि इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं. और ये हमें जो है टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, जिससे कि हम फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम इजीली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमिन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है. इसमें जो रेडिएशंस यूज होती हैं वो अल्ट्रावायलेट और जो विजिबल रेडिएशंस हैं वो यूज होती हैं. अल्ट्रावायलेट जो हैं वो 200 से 400 नैनोमीटर तक की यूज होती हैं, और विजिबल वाले जो हैं वो 400 से 800 नैनोमीटर तक यूज होती हैं. इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं. तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है क्वांटाइज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी और विजिबल रेडिएशंस लीडिंग टू इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस. यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हमें जो इंफॉर्मेशन देती है ये हमें कॉन्जुगेशन के बारे में बताती है. प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ अनसैचुरेशन, पर्टिकुलरली अनसैचुरेशन भी जो कि कॉन्जुगेशन में है. तो ये हमें जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम डेट कंटेन्स ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. इसके अलावा हमें ये मेटल लिगेंड इंट्रैक्शन जो हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट टेक्निक आती है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. इसमें रेडिएशन जो अब्जॉर्ब होते हैं वो एक्सरेज यूज होती हैं, और उनकी जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट 10^-10 मीटर तक होती है. एक्सरेज को फॉल करवाया जाता है किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, और जो है इसके डिफरेंट तरह की जो एक्सरे को डिटरमिन किया जाता है जो कि इसमें से मीट होती हैं और जो जो भी और जिससे हम जो क्रिस्टल है उसका उसके डिफरेंट तरह के फीचर्स को फाइंड कर सकते हैं कि क्रिस्टल प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है और हाउ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर कनेक्टेड इन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट. तो हम इसका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसी भी इस क्रिस्टल का उसको हम फाइंड कर सकते हैं. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये एक नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है क्योंकि इसमें रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हम इसको नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कहते हैं. लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि इसमें हम कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं. ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसकी हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं, इसको आयनाइज करवाया जाता है, देन इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है और डिफरेंट तरह के जो हैं वो फ्रेगमेंट्स बनते हैं. इन फ्रेगमेंट्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और जिससे कि हमें इसके स्ट्रक्चर इसके फॉर्मूला के बारे में या वेट के बारे में पता चलता है. इसके लिए जो यूज़ की जाता है फिनोमिना उसमें इसका जो प्रिंसिपल है उसमें सबसे पहले मॉलिक्यूल को आयोनाइज करवाया जाता है, देन जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं, देन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजार कर एक्सेलरेट करवाया जाता है, और देन मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम जब फॉल करवाते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की डिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट ई ओवर एम वाले जो मॉलिक्यूल या फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. वो इसका जो प्रिंसिपल है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मास टू चार्ज रेशियो एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस फॉर्म्ड
ऑन इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी फाइंड कर सकते हैं, किसी हद तक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी फाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा आइसोटोपिक अबंडेंस हम इससे फाइंड करते हैं कि डिफरेंट तरह के जो आइसोटोप्स हैं उनकी जो अबंडेंस है वो कितनी है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास अबंडेंस होती है और एक्स एक्सिस पे हम ई ओवर एम वैल्यू लेते हैं। और डिफरेंट तरह की जो पीक्स आएंगी उससे जितने नंबर ऑफ पीक्स होंगी उससे पता चलेगा कि उतने नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। और जितनी हमारे पास पीक की जो वैल्यू है वो होगी हाई होगी, उतनी उसकी उस आइसोटोप की जो अबंडेंस है वो हाई होगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट टेक्निक से डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं। देन हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में अगर हम इसमें देख लें तो हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में डिफरेंट तरह के वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे वी नोट, वी वन, वी टू, वी थ्री और वी फोर देख सकते हैं। देन हर वाइब्रेशनल लेवल के फर्दर रोटेशनल लेवल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है अगर, तो उसके मज़ीद वाइब्रेशनल लेवल हैं और हर वाइब्रेशनल लेवल के मज़ीद रोटेशनल लेवल हैं। इसी तरह हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के लेवल होते हैं। तो यूवी विजिबल में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात की थी, तो यहाँ पर आप ए वाला जो है ये देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। जबकि एक वाइब्रेशन, एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एक वाइब्रेशनल से दूसरे वाइब्रेशनल में जो ट्रांजिशन है, एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन है उसे वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिशन कहेंगे। जबकि एक ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो रोटेशन जो ट्रांजिशन है उसको हम रोटेशनल ट्रांजिशन कहेंगे। तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास ट्रांजिशन पॉसिबल होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डिफरेंस है उसको आप देख सकते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में कोई भी गैस है उसको हीटअप किया जाता है और इसको हीट करने के लिए हम कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, थर्मल हीटिंग भी कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकली भी हीट किया जा सकता है। देन इसमें से जो रेडिएशन एमिट होती हैं उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए हम कोई भी लाइट फॉल करवाते हैं अपने सैंपल के ऊपर और यहाँ पर जो हमारा सैंपल है वो हीटअप नहीं होता बल्कि हम उसको कूल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जो है बाकी जो रेडिएशंस हैं जो कि इसमें से पास होकर निकलते हैं उनको चेक करते हैं। और इसमें जो रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो गई होती हैं वो जो है वो डार्क कलर की हमें लाइंस की फॉर्म में नज़र आती हैं। इसी तरह जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उसमें बैकग्राउंड डार्क होता है जबकि जो लाइंस हैं जो कि हमारे पास एमिट हो रही हैं रेडिएशंस, वो लाइंस जो हैं वो ब्राइट होती हैं। अगर एक ही एटम है या एक ही एटम है तो उसकी हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा दोनों लेते हैं तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रा में डार्क बैकग्राउंड है तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसमें ब्राइट बैकग्राउंड होता है और लाइंस जो हैं वो डार्क होती हैं, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रा में जो लाइंस हैं वो ब्राइट होती हैं। तो हर जो एटम है वो एक यूनिक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन जो है स्पेक्ट्रा वो देता है, जिससे कि ये यूनिकनेस होने की वजह से हम डिफरेंट तरह के एटम्स को उनके स्पेक्ट्रा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्दर आप डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं। प्रिंसिपल की हम बात कर चुके हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम जाता है जबकि रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं, और जबकि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है और रेडिएशन एमिट होती हैं। देन हम देखते हैं सॉलिड सैंपल जो हैं ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनालाइज नहीं किया जा सकता, मीन के हम इसको नहीं यूज़ करते, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज़ कर सकते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम आता है वो कलर्ड होता है,
जबकि एमिशन में जो है वो डार्क कलर का स्पेक्ट्रम आता है, डार्क लाइंस नहीं होती, लेकिन डार्क जो है वो बैकग्राउंड होता है। यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, डार्क बैकग्राउंड होता है, ब्राइट लाइंस होती हैं। नेक्स्ट जो हम सोर्स यूज़ करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो होलो कैथोड लैम्प होता है, जबकि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हीट या लाइट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के फर्दर दो टाइप्स आते हैं, जिनमें हमारे पास ऑप्टिकल एमिशन है और एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अगर तो हम किसी भी जो हमारा सैंपल है उसको एक्साइट करवाने के लिए हाई टेम्परेचर एनर्जी सोर्स को यूज़ करते हैं, तो इस केस में जो लाइट एमिट होती है इसको हम एटॉमिक या ऑप्टिकल एमिशन कहते हैं। जबकि अगर तो हम एटम्स को एक्साइट करवाने के लिए लाइट को यूज़ करते हैं, लाइट के फोटॉन्स को यूज़ करते हैं, तो इस केस में जो रेडिएशंस एमिट होंगी इसको हम एटॉमिक फ्लोरेसेंस कहेंगे, एमिशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएटेड एनर्जी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी दैट इज़ डन ओनली थ्योरेटिकली, मीन कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल मेथड है जिसमें कि हम सिर्फ स्टडी करते हैं कि डिफरेंट तरह की रेडिएशन डिफरेंट तरह की मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, और इससे कोई भी जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। जबकि स्पेक्ट्रोमीट्री जो है ये एक टेक्निक है जो कि हम क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मीन कि हम इसमें स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्टेन करते हैं, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी हैं, मीन कि इससे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और ये क्वांटिफाइंग एब्जॉर्बेंस के लिए यूज़ होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी को क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ होती है, इसके अलावा ट्रांसमिटेंस भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट तरह की रेडिएशंस की डिफरेंट मैटर्स के साथ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएटेड एनर्जी, जबकि स्पेक्ट्रोमीट्री जो है ये एक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी डज नॉट जनरेट एनी रिजल्ट्स, इट इज़ ओनली अ थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ साइंस, जबकि स्पेक्ट्रोमीट्री जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें कि हम डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, कि जिसमें कि आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो एडवांटेजेस हैं उसमें सबसे पहले तो यही है कि ये एक रैपिड टेक्निक है। अगर तो हम इसका कंपैरिजन करें ओल्ड टेक्निक्स के साथ जिनमें कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आता है या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आता है, तो ये जो टेक्निक्स थी ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी, जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये काफ़ी रैपिड टेक्निक है, हमें बहुत थोड़े टाइम में अच्छे रिजल्ट्स दे देती है। नेक्स्ट आता है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल बहुत थोड़े सैंपल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, जिसमें कि हम मिलीग्राम सैंपल या माइक्रोग्राम सैंपल भी एनफ होता है, जबकि जो दूसरी टेक्निक्स जितनी भी कन्वेंशनल टेक्निक्स थे उसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल की ज़रूरत पड़ती थी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स होती हैं, मीन कि इसमें जो है जो सैंपल है हमारा वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो भी सेफ रहता है, जबकि कन्वेंशनल टेक्निक्स में वो जो सैंपल था हमारा वो एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप्स एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ कंपाउंड्स, और ये हमें एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट्स देती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जबकि जो ओल्ड कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं वो हमें इतनी ज़्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते स्ट्रक्चर के बारे में। जहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के एडवांटेजेस हैं वहीं पे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनमें सबसे पहले तो एक्सपेंसिव होना है, मीन कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, इसके लिए हमें एक बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करना पड़ता है, और इंस्ट्रूमेंट्स की जो है मेंटेनेंस और इन सब पे भी कॉस्ट जो है वो आती है। दूसरे नंबर पे हमें एक स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट कर सके।
तो ये जो है ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वैसे जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आजकल बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली टेक्निक्स हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो यहाँ तक हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक्स थी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट वीडियो में यूवी विजिबल को स्टडी कर लेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी जो है पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन हम आईआर को कवर करेंगे और इस जो सीरीज़ के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं देन हम उनको कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने पहले स्टार्ट किए हुए थे। तो आप जो है अच्छी सी तैयारी रखें इंटरव्यू की और टेस्ट की भी, और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो।